परिवार कितना धोखेबाज है। आई गॉट मैरिड इन अ कॉन फैमिली, बात बात पे धोखा, बात बात पे झूठा, हर चीज़ झूठ, हर चीज़ 180 डिग्री टर्न मारा इस परिवार ने। डोमेस्टिक वायलेंस तो पांचों के अगेंस्ट हुआ है, प्रवीण कुमार सिन्हा, लीला सिन्हा, श्वेता शिल्पा सिन्हा, प्रवीण के डैड, अंधेरी कोर्ट में किया है हमने, और 498A FIR जो हुआ है, 377 अननेचुरल सेक्स, और वेरियस और भी जो सेक्शंस लगे हैं वो वर्सोवा पुलिस स्टेशन में हमने किया है। मेरे मामा की डेथ हो गई थी, मेरे सगे मामा की डेथ हो गई थी और मैं एयरपोर्ट जा रही थी, एंड आई सेड कि ना प्रवीण मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लूँ, तो इसे क्यों ऐसे मैं वो 2 घंटा पहले पहुँचना पड़ता है, आई विल बी हंग्री, तो ऐसे नहीं नहीं एयरपोर्ट पे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा 150 रुपये का सामान आएगा प्रवीण, इसे 150 रुपया बहुत महंगा है, तुम घर से खाना बना के लेके जाओ, एयरपोर्ट पे 150 रुपये का खाना मत खाना। दिस वॉज माई कंडीशन इन दिस वेडिंग। लॉकडाउन चल रहा था और हमको बाहर से कुछ खाना नहीं खाना था, फर्स्ट लॉकडाउन, दैट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। और मुझे याद है मैंने राशन लाती थी तो उसका फ़ोटो खींच के उसको देना पड़ता था प्रवीण को, सारे का पूरा जो बिल होता था ना उसका फ़ोटो खींच के देना पड़ता था, वो टैली करता था क्या सामान आया है और क्या हुआ है। एंड देन ही सो अ पानीपुरी का पैकेट, तो ही सेड कि तुमने पानीपुरी का पैकेट क्यों लिया, तो ऐसे प्रवीण बाहर का कुछ खा नहीं सकते, घर पे तो आई कैन मेक पानीपुरी, इसे मत खाओ, पानीपुरी का पैकेट दूंगा, पानीपुरी क्यों खाने की ज़रूरत है, बेसिक खाना जो है तुम बेसिक खाना कॉन्सेंट्रेट करो, पानीपुरी मत लो। इन लोगों ने बुली करना शुरू कर दिया मुझे, बॉडी शेम, यू नो तुम मोटी हो, तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, तुम्हारी एज आ जा रही है, मतलब जो मन में आए वो बोले मुझे वो, यू नो, और मुझे सब ऐसा ग्राउंड टेबल काउंटर्स में चारों बैठ जाते थे और मुझे एक कोने में करके मुझे ये बोला जाता था तुम्हें यहाँ जाना है वेट लॉस करने के लिए, तुम्हें वहाँ जाना है वेट लॉस करने के लिए, तुम मोटी हो। प्रवीण ने तो मुझे एक दिन ये भी बोल दिया था कि तुम मोटी हो से मैं तुम्हें पैसे नहीं दूँ। सुभिषी आपकी अपनी पूरी बात, शुरू से क्या क्या हुआ था और कहाँ से शुरुआत हुई और आज जो डिवोर्स तक मामला पहुँच गया है। देखिए ये शादी मैरिज ब्यूरो के थ्रू हुई थी, मेरे पास टाइम था नहीं इतना कि मैं लड़कों से मिलूं। आई वाज शूटिंग ऑलमोस्ट 22 डेज 25 डेज इन अ मंथ। और पहला कॉन्वर्सेशन जब मेरा प्रवीण के साथ हुआ, इनिशियल इंट्रोडक्शन के बाद में मैंने सबसे पहला सवाल उससे यही पूछा था, मैं बॉम्बे में हूँ, मेरा करियर बॉम्बे में है, मैं अपने पैरों पर खड़ी रहना चाहती हूँ फाइनेंशियली, तो मैं अपना करियर छोड़ नहीं सकती, ये शादी चलेगी कैसे बिकॉज आप दिल्ली में हो। तो उन्होंने कहा कि मैं भी दिल्ली का नहीं हूँ, मैं तो बेसिकली आरा पटना का हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पटना के एविएशन से हैं और अच्छे फ्यूचर के लिए वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं, वो परमानेंट बॉम्बे रेसिडेंट हो गए हैं, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास यहाँ पर सर्कल नहीं होगा मेरा। इनफैक्ट मेरी बुआ, प्रवीण की सगी बुआ न्यू बॉम्बे रहती हैं, उनका बेटा है यहाँ पर, प्रवीण का फर्स्ट कज़न बॉम्बे में ही है, उसकी शादी यहीं पे हुई है बॉम्बे की लड़की से। तो ही सेड आई एम ओके, आई विल रीलोकेट। तो जब बात ये हुई है कि उसे कोई इशू नहीं बॉम्बे शिफ्ट होने में, तब मैंने कहा अब बात करना ठीक है, बिकॉज़ अगर हस्बैंड वाइफ साथ में रह नहीं रहे हैं फॉर नो रीज़न, देखिए या तो आपका हस्बैंड आर्मी नेवी एयरफोर्स में हो या सियाचिन में उसका पोस्टिंग हो तो बात अलग होती है, या मर्चेंट नेवी में तो बात अलग होती है, बट जब दो लोग ज़मीन पे ही हैं या IAS ऑफिसर है, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, मेरी कज़न है, तो ठीक है, मतलब बात समझ में आती है, बट जब कोई रीज़न नहीं है तो क्यों हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रहे, तो फिर शादी का मतलब ही क्या है, यू नो। सो आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मुझे मेरा पति साथ में चाहिए और हमने अपने परिवार में यही देखा है, मेरे मम्मी पापा में बहुत रोमांस रहा है, यू नो, अच्छा रिलेशनशिप था उनका। तो ही सेड कि हाँ मैं शिफ्ट हो जाऊँगा, तो मैंने कहा ठीक है, अब कोई सेंस बनता है बात करने का शादी को लेके। फिर बात हुई, मैंने हर चीज़ बहुत पहले ठोक बजा के बात कर ली थी कि लेट शादी है तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली ASAP, यू नो। और प्रवीण ने कहा था कि तुम्हें काम करने का ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा, मैं तुम्हें ज़रा भी कमाने के लिए कभी प्रेशर नहीं दूंगा, तुम्हारी मर्ज़ी, तुमको फिल्म करना है, वेब सीरीज़ करना है, TV करना है, इट्स ऑल अप टू यू, शादी के बाद तुम सरनेम भी मत चेंज करो, कोई इशू नहीं है।
और मैं बॉम्बे में अपना घर खरीदूंगा, मैं घर दमाद थोड़ी ना रहूंगा, मेरा अपना स्वाभिमान है, आई हैव वेरी हैंडसम सैलरी और मेरा टेक होम बहुत अच्छा है, तो मैं खुद घर लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर घर लेना है तो माइट एज वेल लोखंड वाला रहते हैं, बिकॉज मेरे लिए भी सेम एरिया हो जाएगा, और बिकॉज सी आप तो 3 दिन 4 4 दिन घर नहीं आते हो बिकॉज ही इज़ फ्लाइंग। अगर आप जब 35,000 फीट पे हो, मुझे कुछ हो गया नीचे, तो लोखंड वाला में मेरे पास मेरे खुद के लोग होंगे। तो ये डिसाइड हुआ था कि यहाँ रहना ज़्यादा बेटर होगा, एयरपोर्ट भी पास में है, उसके लिए भी कन्वीनियंट है, मेरे लिए भी कन्वीनियंट है। कल को वो नहीं आ रहा तो मुझे हॉस्पिटल पर पहुँचाने के लिए मेरे खुद का एक अपना मेरा सर्कल है जो मुझे ले जाएगा। तो बहुत ही इमोशनल, समझा हुआ, एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल, सब कुछ बात करके शादी हुई, तय हुई, दोनों फैमिलीज मिले। प्रवीण की मॉम भी जब घर आई थी तब भी ये हुआ था कि प्रवीण का, जैसे उसकी रेड आई फ्लाइट होती है, मेरा 7 बजे का शिफ्ट होगा, तो हम दोनों डिस्टर्ब नहीं हो करके एक एक सेपरेट रूम भी ले लेंगे अपने लिए, कि जैसे वो रात को लेट आया है और मुझे 3 घंटे के बाद उठ के जाना। इतना हमने सबके सामने ओपनली बात किया था, और फिर शादी होती है एंड विद इन विद इन 48 आवर्स भी नहीं हुए थे शादी होके, एंड वो पलट गया। उसने मुझे गोवा में बोला कि हम 6 महीना बच्चा नहीं करेंगे, एंड आई वॉज शॉक्ड, यू नो, कि 6 महीना बच्चा नहीं करेंगे, मतलब आई एम सॉरी, मतलब डॉक्टर के पास, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके बात करने में, ये टेस्ट वो टेस्ट वो टेस्ट करने में ही 6 महीना निकल जाएगा, राइट? तो ये 6 महीना तो ऐसे निकल गया, बाकी 6 महीना तो आपने तो 1 साल तो ऐसे ही खींच लिया, बिकॉज मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है, कॉलेज फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है, इंडस्ट्री में लोगों की शादी हो चुकी है, मैंने एन नंबर ऑफ IUI IVF सरोगे से देखा है, तो मैं जानती हूँ व्हाट पेन अ लेडी गोज थ्रू, यू नो। सो आई वाज शॉक्ड, बट मैंने कहा कि शायद ये ना शादी के प्रेशर में है, या इतनी लेट शादी हो गई तो थोड़ा सा बौखला गया होगा टाइप से, यू नो, अचानक से लड़की आ गई लाइफ में, एक जिम्मेदारी आ गई, तुरंत बच्चा, तो मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं है, प्रेशर होगा, शादी का भी तो 48 आवर्स भी नहीं हुए, गिव हिम स्पेस, गिव हिम टाइम, धीरे धीरे अपने आप वो ठीक हो जाएगा। मैं उसे वो सोच सोच के हर चीज़ के लिए टाइम देती गई। जब मैं दिल्ली गई तो आई रिमेम्बर प्रवीण की मॉम और प्रवीण सोफे पे बैठे हुए थे, और प्रवीण ने मुझे कहा कि तुम्हें हमें राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा कि हमने तुमसे कोई दहेज नहीं लिया है। और मैं ऐसे उसकी शक्ल देख रही हूँ, उसकी मॉम बैठी है सोफे पे, उनकी शक्ल देख रही हूँ, ऐसे ये हो क्या रहा है। दे सेड कि हम ये चीज़ छपाएंगे और आरा पटना में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटते हैं जिसे, और प्रचार होगा मेरी मम्मी का, ताकि मेरी मम्मी को इलेक्शन में वोट मिल सके। एंड उधर ही मेरी ना से हाथ पैर मतलब नम हो गए थे मेरे। मैंने कहा कि इसलिए इन लोगों ने मुझे ये दिखा के शादी की है कि हम तुमसे दहेज नहीं ले रहे हैं, और अब ये सब चीज़ हो रहा है। तब मैं चुप थी, मैंने कुछ बोला नहीं। जैसे प्रवीण कमरे में आया, सर प्रवीण मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों ने इसलिए मुझसे दहेज नहीं लिया है क्योंकि तुम बाद में इस चीज़ का इस्तेमाल कर सको। तो ऐसे तुम मेरा यूज़ कर रहे हो कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि हमने अपनी बहू से दहेज नहीं लिया, तुमको लिख के देना पड़ेगा। कौन सी शादी में ऐसा होता है? खैर वो बात रफा दफा हो गई। उसके बाद प्रवीण की मॉम एक वो चांदी का कुछ क्राउन लेकर आई, एंड उन्होंने कहा कि ये चांदी का क्राउन हम लेकर आ रहे हैं, हम तुम्हें पहनाएंगे और इसकी पब्लिसिटी करना, ये तुम्हारा क्राउन है एंड ऑल दैट। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा वियर्ड था, बट मैंने कहा कि ठीक है यार, चलो, मैंने वो उस चीज़ के लिए मना कर दिया, मैं ये इनका कवर करवा देती हूँ, यू नो। तो वो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट आई गॉट इट डन, बिकॉज चीज़ें, मैं शादी, नई शादी हुई थी तो संभालना चाह रही थी। शादी हुआ, रिसेप्शन तक इनके दोनों, प्रवीण की दोनों बहनें श्वेता सिन्हा, शिल्पा सिन्हा, और कि इनके आपस में नहीं पटती है, बिल्कुल भी नहीं पटती है। बेसिकली इट्स अ वेरी डिसफंक्शनल फैमिली। इनकी मैंने लड़ाइयाँ देखी, यू नो, तो मैं शॉक रह गई कि ये लोग पहले तो बहुत अच्छे से बिहेव करते थे मेरे सामने, और अभी जब से शादी हुई है वाई दे आर फाइटिंग, यू नो। और ले दे के जैसे तैसे रिसेप्शन हुआ, और रिसेप्शन ख़त्म हुआ एंड दे स्टार्टेड के तुम एक्टिंग करती रहो, फिल्म करो,
और वेब सीरीज़ करो, टीवी मत करो, बिकॉज़ फिर तुम महीने के 25 दिन 20 दिन बिजी रह जाओगी। तो तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। मैंने कहा प्रवीण वो तो शादी के पहले ही मैंने मना कर दिया था कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगी, राइट? तो अब ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? जब भी ये सब कुछ बात होती ना, वो दिन में 2 एजेंडा लेकर आता मेरे पास। मैं बाहर निकलती, किचन में जाती तो देखती वो और उसकी मॉम सोफे पे बैठे हुए हैं और कुछ कुछ खुचर पुचर खुचर पुचर चालू है। शाम को फिर एक एजेंडा लेकर आएगा, तो मैं तुम्हारे नाम पे बिजनेस शुरू करता हूँ। ऐसे क्यों प्रवीण? तुम्हारी सारी प्रॉपर्टियाँ तुम्हारी मॉम के नाम पे, मतलब जो शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिटेबल चीज़ हैं वो सारी तुम्हारी मॉम के नाम पे। तो ये रिस्की वाला अनसर्टन बिजनेस इज अनसर्टन, राइट? कोई श्योर श्योर तो होता नहीं है कि MBA करके आए और आप कोई चीज़ प्रोडक्ट उठा लोगे तो हो जाएगा। आपको मेरे नाम पे क्यों शुरू करना है? मैंने कहा शादी होगी, शादी वाला जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम मुझे कुलदेवी की पूजा कराने नहीं ले जा रहे हो अपने गांव, और तुम यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट मनी मैटर्स, यू नो। फिर बाहर माँ बेटा कुछ और कुछ और साइड में कोने में चल रहा है। देन ही सेड कि तुम्हारे को फ्रेंड्स हैं ना कैलकटा में, उनको बोलो मेरे साथ बिजनेस शुरू करने के लिए। आई सेड मैं अपने दोस्तों को क्यों बोलूँ बिजनेस शुरू करने के लिए आपके साथ में? आपको करना है तो आप अपने बूते करिए ना। मेरे दोस्त को बिजनेस शुरू करना है तो वो मेरे साथ करेंगे। आई नो देम फॉर 16-18 ईयर्स नाउ। मेरे दोस्त आपके साथ बिजनेस क्यों करेंगे? अच्छा तो बिजनेस नहीं करना तो उनको बोलो होटल शुरू करें। माई आइडिया वॉज दैट ओनली। देन सेट कि बिकॉज सो मेनी सेलिब्रिटीज वे दे इन द वेडिंग, ही सेट कि हिडम्बा फेस्टिवल करते हैं कुल्लू मनाली में, तुम अपने दोस्तों को बुला लो। तो मैंने कहा देखो तुम ये पॉलिटिकल एंगल के साथ कर रहे हो। मेरे फ्रेंड्स शादी में मेरे ब्लाउजेज भी डिलीवर किए हैं एक्टर्स, यू नो, बिकॉज एक लड़की की शादी है एंड सो मच ऑफ तामझाम। बट वो मेरा रिलेशनशिप है इतने साल का इंडस्ट्री में। आप जो कर रहे हो वो प्रोफेशनली कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई फ्रेंड 1 लाख रुपए लेता है, मेरे वजह से 70-80 हज़ार ले लेगा, लेकिन आप ये सोचोगे कि मैं उसको फ्री में लेकर आऊँ तो ये मैं करने वाली नहीं हूँ। मैं अपने रिलेशनशिप स्पॉइल नहीं करूँगी। वो उनको बुरा लगा। अपने दोस्तों को बोलो मैं रानीखेत में बंगलो बनाऊँगा, वो खरीद लें। बॉम्बे के एक्टर्स रानीखेत क्यों लेंगे? गणपति फुले यहाँ कहीं लेंगे, पूना लेंगे, लोनावाला लेंगे, वहाँ क्यों जाएंगे? सो आई रियलाइज दैट कि पूरी फैमिली जो है ना वो मेरा सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है, मेरे कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहती है, मेरे लोगों का, मेरे दोस्तों का इस्तेमाल करना चाहती है। एंड देन मार्च में होली की लड़की की पहली शादी की लड़की के घर में होती है। मैं बॉम्बे आ रही थी, सो बॉम्बे आने के एक दिन पहले मुझे बोलता है सुरभि मेरे पास ना पैसे नहीं है ना, तो ना अभी ना मैं घर भी नहीं ले पाऊँगा, और तुम एक काम करो तुम बॉम्बे में रहो, तुम वहाँ कमाओ धमाओ वहाँ रहो, हम लोग बीच बीच में मिलते रहेंगे, और मैं यहाँ दिल्ली में ही रहूँगा। और मैं मुझे जैसे लाइक शॉक लग गया है ना कि ये बंदा 2017 एंड 18 19 दैट वाज मार्च, यू नो, आई रियलाइज ये बंदा ऑल दिस टाइम वॉज एक्टिंग एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ मी। और मैं इतने साल से इंडस्ट्री में रहकर ये समझ नहीं पाई कि मेरे सामने एक्टिंग कर रहा है। ये पूरा एक नाटक था अच्छे बनने का, संस्कारी बनने का, एजुकेटेड, ओ हम पायलट्स हैं, वी आर द वर्ल्ड सिटीजन, यू नो। बट फैक्ट ये है कि ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल होने के लिए ये शादी की गई है। इनको ना घर परिवार बच्चे फैमिली इन सब से कोई चीज़ से मतलब नहीं है। दे वॉन्टेड टू यूज़ मी। मैं बहुत ही भारी मन से बॉम्बे आई हूँ एंड आई टोल्ड ऑल माई फ्रेंड्स कि ऐसे 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 से हुआ है। उन लोगों ने मुझे ये बोला कि हर कोई शॉक में था, एवरी वन वॉज शॉक्ड कि 43 और ओल्ड गाय ये ऐसे कैसे कर सकता है किसी लड़की के साथ में, यू नो। और बोले उसको टाइम दो। टाइम तो क्या दें? उसके बाद वो बॉम्बे मार्च में जब होली पर आया, ही सेड आई डोंट हैव मनी फॉर यू, मैं बॉम्बे में घर नहीं लूँगा, मैं इनफैक्ट किराए पे भी घर नहीं लूँगा, और मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। एंड देन मैं महीने के आई विल गिव यू 10,000 रुपीज़। उसका बहुत क्लियर डील टाइप्स था कि जब तुम मेरे साथ ट्रैवल करती हो, जब जो महीने तुम मेरे साथ ट्रैवल करोगी, मतलब क्लियर है कि तुम काम नहीं ले रही हो, ओके,
और जब तुम मेरे साथ ट्रैवल करोगी तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगे महीने का, इमेजिन 10,000 रुपीज़ इन लोखंड वाला। और जिस महीने तुम मेरे साथ ट्रैवल नहीं करोगी मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा। और मेरा घर ही उसने मुझसे किराए पे ले लिया, जो कि बिना लिखा पढ़ी के, बिकॉज द हाउस हैज़ ए EMI। वो EMI कैसे पे होगा ना, मैं तो ये था कि तुम घर ले रहे हो और मैं अपना फ्लैट किराए पे उठा रही हूँ। मुझे, मैं अपनी माँ को 5,000 रुपीज़ भी नहीं दे सकती थी, जबकि गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको, आप अपनी माँ का, सब बच्चों को ध्यान रखना है। इतना प्रेशर था मुझ पर। एंड देन स्लोली स्लोली, बिकॉज मैं उनकी बात नहीं मान रही थी, उसकी मॉम, उसकी बहनें मुझे फोर्स करने लगी फास्टिंग को लेकर। उसकी माँ का ये कहना था कि मुझे और प्रवीण को उनका घर संभालना चाहिए, जबकि उनकी बेटियाँ 40-39 ईयर्स ओल्ड है, करियर नहीं है उनके पास, ना शादी है, वो कुछ नहीं करती है। मैं बॉम्बे से जाकर वो घर संभालूं, तो बात तो ये हुई थी कि आपका लड़का बॉम्बे शिफ्ट हो रहा है, तो ये कहाँ से हो रहा है कि अब मैं दिल्ली आकर उनका घर संभालूंगी। एंड देन प्रवीण के डैड, आई रिमेम्बर, एडमिट थे, और उसकी मॉम का मैं हर दिन पैर में गर्म पानी से टॉवल से सेक कर रही थी। और एक दिन से सेक करते करते मम्मी का फ़ोन आया, एंड कि घर सफाई कर लेना, एक इतने दिन हो गए घर साफ़ नहीं हुआ है, बनता है घर। तो उसकी मॉम ने सीधा मुझे ये बोला कि तुम्हारे घर की चाबी तुम्हारी मम्मी के पास कैसे है। मुझे एक बात बताइए, एक बेटी की घर की चाबी उसकी माँ के पास नहीं होगी तो किसके पास होगी? मैं क्या अपने पड़ोसी को देके जाऊँगी? क्या मैं किसी अनजान को देके जाऊँगी जो मेरे पीछे मेरे घर का काम करे, सफाई करे? मैं अपनी माँ को नहीं दूँगी, और मेरी स्ट्रगल में, यहाँ तक पहुँचने की स्ट्रगल में मेरा परिवार मेरे साथ था, वो लोग नहीं थे। ये लोग कल आए मेरी लाइफ में, और जिन लोगों ने मुझे पैदा किया मैं उनको अपने घर की चाबी नहीं दे सकती। और सबसे पहली बात तो ये कि प्रवीण की मॉम मिसेस लीला सिन्हा होती कौन है मुझसे ये पूछने वाली कि मैं मेरी घर की चाबी किसको देके जा सकती हूँ? और विद इन हाफ एन आवर शी इज़ आस्किंग मी, तुम्हारी मम्मी के पास जेवर कितने हैं? मतलब वो कैलकुलेट कर रही थी कि जब इसकी माँ ख़त्म हो जाएगी तो इसके हिस्से में कितने जेवर आएंगे। और बाय द वे, जेवर से मैं आपको याद दिला दूँ, प्रवीण की मॉम ने मुझे जितने जेवर दिए, जब उनके बेटे ने ये नौबत लेकर आई मेरी लाइफ में कि मुझे अपने जेवर बेचने पड़े घर चलाने के लिए, तो मुझे पता चला कि प्रवीण की मॉम ने जो जेवर दिए मुझे वो 18 कैरेट गोल्ड में बनाया है उन्होंने, जबकि सॉरी फॉर ऑल द इमोशंस, जबकि शादी का जेवर जो है वो 22 कैरेट में बनता है, 18 कैरेट में नहीं बनता है। मैं ये सोच रही थी ये परिवार कितना धोखेबाज है। आई गॉट मैरिड इन अ कॉन फैमिली, बात बात पे धोखा, बात बात पे झूठा, हर चीज़ झूठ, हर चीज़ 180 डिग्री टर्न मारा इस परिवार ने। और बुरा ये लगता है कि उनको खुद की 2 बेटियाँ हैं, अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? आप नहीं चाहते हो कि मैं एक्टिंग करूं, आप चाहते हो पॉलिटिक्स करो। आपने ज़बरदस्ती अपनी बेटी को पायलट बनाया, जो अभी तक उसका CPL भी नहीं हुआ है। 2006 से श्वेता सिन्हा CPL कर रही है, अभी तक नहीं हुआ। अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करता तो कैसा लगता था आपको? नाउ प्रवीण की पापा घर आ गए, ही वॉज ओके, आई केम बैक। प्रवीण, अब हमारा पहला एनिवर्सरी था, सो ही वॉन्टेड टू डू द एनिवर्सरी इन दिल्ली। और दिल्ली में मेरे सारे टॉप नॉच जितने भी फ्रेंड्स हैं सबका नाम था, मेरे रिश्तेदारों का नाम नहीं था। आई टोल्ड प्रवीण, मेरे इतने रिलेटिव्स कज़न्स हैं, मैं फर्स्ट एनिवर्सरी थ्रो कर रही हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास ना इतने पैसे नहीं उन लोगों को बुलाने के लिए। ओह, तो मेरे जितने भी टॉप नॉच दोस्त हैं जिनको मैं भी कभी कभी याद नहीं रखती, वो सारे लिस्ट में मेरे रिलेटिव्स नहीं हैं। बट दैट्स द वे दे आर, उनको रिलेटिव से कोई मतलब ही नहीं है। सो आई रियलाइज़ कि ये अभी भी बंदा मुझे यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो आई केम, मैं बॉम्बे आने वाली थी, मुझे वहाँ दिल्ली में ना स्मॉग है, मतलब तो मैं जाते जाते मुझे बहुत वायरल हो जाता था। सो वन डे ऐसे ही आई वॉज डाउन विद वायरल, और प्रवीण के डैड हॉस्पिटल में थे, और मैं उठी थी 5:30 बजे। मेरे पास ना व्हाट्सअप चैट है, दैट एज अ सोचा भी नहीं था कि कभी एज अ प्रूफ यूज़ भी होगा उसकी। मैं सुबह उठी स्टीम लेने के लिए, बिकॉज आई वॉज टोटली ब्लॉक्ड। तो श्वेता ने मुझे देखा तो सर क्या हो गया? ऐसे नहीं, आई एम डाउन विद वायरल, मुझे 102 टेम्परेचर चल रहा था। एंड देन एक घंटे के बाद मैं गागल करने उठी, तब 6:30 बज रहा था। तो उसकी मॉम ने बोला क्या हुआ था? सर आई एम डाउन विद वायरल। एंड बाद में मुझे याद है मालती, हमारे
झाड़ू पोछे वाली जो उनके घर में थी वो आई थी, और उसने धड़ 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 करके दरवाज़ा खोला है। ना सर क्या हो गया? मालती तुम तो दरवाज़ा नॉक ही नहीं करते हो, आज क्या हो गया? तो इसे कि अरे 9 बज रहा है, उठो उठो आप। तो मैंने कहा मालती ज़रा बॉडी चेक करो। तो बोले यार आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। ऐसे हाँ जानते हो मालती, तुम दरवाज़ा बंद कर देना। मैं प्रवीण को फ़ोन लगा रही थी कि यार तुम हॉस्पिटल में कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद आई रिमेम्बर मैं सो रही हूँ, आपकी घर की बहू सो रही है, और आप एक जवान होते हुए नौकर को आप उसके कमरे में भेज देते हो। एंड लाइक दैट वुलशन उसका नाम था सर, भाभी भाभी उठो उठो। आई सर क्या हो गया? इसे चलो चलो आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, बट आपकी बहू सो रही है। दिस इज़ द रिस्पेक्ट यू गिव टू योर डॉटर इन लॉ घर में कि वो सो रही है और आप किसी लड़के को उसके रूम में भेज दोगे? ये हो रहा था मेरे साथ वहाँ पर। एंड ये सब हो रहा था मेरे साथ वहाँ पर। एनिवर्सरी के बाद में आई वॉज़ अनवेल अगेन एज यूजल। वहाँ जाते ही साथ ही मुझे वायरल हो जाता था। एंड मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा भाई बॉम्बे में हॉस्पिटलाइज हो गया था, मेरे पूरे दोनों पैर में स्वेलिंग थी। तो एक मसाज वाली को बुला लिया एंड वो मुस्लिम थी, वो आई किचन में, गरम तेल गरम कर किया, और इन दोनों बहनों ने तो बवाल कर दिया कि वो मुस्लिम कैसे हमारे किचन में घुसी और उसने ऐसे कैसे हमारे चूल्हे को हाथ लगाया है, और उससे उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बिकॉज मैं कमरे से बाहर आना बंद कर दी थी। उसके जाने के बाद मैंने प्रवीण को बताया कि इन लोगों ने ऐसे ऐसे किया है। तो प्रवीण ने क्वेश्चन किया तो शी सेड बॉस ऐसा है कि मेरी मामा ने ज़मीन बेचकर तुझे पायलट बनाया है, ये घर हमारा है। मतलब घर खरीदे प्रवीण, EMI पे करे प्रवीण, और घर उनका हो गया, और तुम दोनों निकलो यहाँ से। ये शिल्पा सिन्हा का एटीट्यूड था घर पे। मेरे ससुर वहीं खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उनके सामने इतना तमाशा हो रहा था, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो बस उठे और वो हीरा लाल था उनका मेडिकल अटेंडेंट, उसको लिए और चले गए अंदर। और उसकी दोनों बहनें इतना बेइज्जती कर रही थी, तुम दोनों निकलो अभी यहाँ से, निकलो घर के बाहर जाओ, तुम दोनों इस घर में आज के बाद नहीं रहोगे। एंड आई फेल सो ह्यूमिलेटेड इन फ्रंट ऑफ द मेड्स, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल अटेंडेंट हीरा लाल, मेरे ससुर के सामने वो दोनों बहनें इस तरह से जलील कर रही हैं हमको। और उसके 6 दिन पहले प्रवीण ने अमृतसर एयरपोर्ट पर सबके सामने उसने मुझ पर चिल्लाया है। 2 महीना पहले बैंगलोर एयरपोर्ट ने उसने चिल्लाया। तो क्या हो रहा था? जितना मैं शादी संभालने की कोशिश कर रही थी उतना ही ज़्यादा ये लोग टॉर्चर कर रहे थे मुझे। बिकॉज उनको लग रहा था कि हम इतना कर रहे हैं और ये शादी में टिकी हुई है, मतलब इसको शादी चलानी है। प्रवीण एयरपोर्ट पर सबके सामने, आई रिमेंबर वी वर इन बैंगलोर एयरपोर्ट और उसकी फ़्लाइट नीचे से थी। नहीं तुम मुझे छोड़ने आओगी? मैंने कहा मुझे लाउंज में बैठना, मेरी फ़्लाइट लेट है, 1 घंटे बाद है। और मैं जैसे एक्टर तो छोड़ो, मुझे तो लग रहा था मैं उसकी को पायलट होगी, जहाँ वो जाए मुझे जाना है, चाहे मेरे बैक में कितना भी पेन हो, कुछ भी हो, यू नो। एंड आई वाज लाइक लाउंज इज हियर, मेरे को आई वांट टू सिट इन द लाउंज, तुम्हारी फ्लाइट नीचे से जा सकते हो? नहीं तुम मुझे नीचे छोड़ने आओगी। एंड ही स्टार्टेड मुझे मेंटल टॉर्चर करना। मुझे वो एयरपोर्ट पर चिल्लाता था सबके सामने, बैंगलोर एयरपोर्ट पर, अमृतसर एयरपोर्ट पर। अमृतसर एयरपोर्ट तो मैं सब भूला नहीं जाता है। मैं फ्लाइट लैंड हुई थी और हम लोग जा रहे थे, एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग एंड येलिंग एट मी, चिल्लाने लग गया ज़ोर ज़ोर से सबके सामने, ऐसे हाथ पटक पटक के कि तुमको तो बहुत टाइम लगता है हर चीज़ पे, तुमको तो ऐसा होता है ये। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड, मैं ऐसे स्टंट तो उसका मुँह देख रही थी कि इसको हो क्या गया, साइको हो गया है क्या ये, इसको पता चल रहा है कि ये कहाँ पर अपनी बीवी को किस तरह से ये सबके सामने ट्रीट कर रहा है। चिल्लाना, चीखना, हाथ पैर पटकना इस तरह से, एंड लाइक पूरा और एवरीवन वाज लुकिंग एट मी, सब कोई मेरी तरफ देख रहा था। एंड लोग मुझे जानते हैं, और आपको पता है कि आपकी बीवी की कितनी बेइज्जती हो रही है जस्ट बिकॉज मैं चुप हूँ, मुझे शादी चलानी थी। बट दैट डजेंट मीन्स कि आप इस तरह से मेरे साथ में सबके सामने इन पब्लिक यू विल बिहेव लाइक दिस विद मी, और एक नहीं 2 बार। मतलब वो मेरी गलती थी बिकॉज पहली बार मैंने उसे कुछ बोला नहीं, इसलिए उसकी हिम्मत थी दोबारा करने की। मतलब आप जो घर के अंदर कर रहे थे, जो बेडरूम में कर रहे थे, जब हॉल में सबके सामने आपने करना शुरू कर दिया, गाड़ी में कर रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे आपने वही चीज़ पूरे एयरपोर्ट पर सबके सामने आपने करना शुरू कर दिया। मतलब जस्ट बिकॉज मैं सह रही हूँ, शादी चलानी, चुप रहो, बॉम्बे आ रहा है, आएगा धीरे से,
आप कुछ भी किए जा रहे हो मेरे साथ में, मतलब ये व्हाट इज दिस अपब्रिंगिंग यू नो। सर भी आपने कौन कौन सी शिकायतें दर्ज कराई हैं, क्या FIR में क्या आपने किया है, और जो आपने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से कोर्ट में क्या क्या? डोमेस्टिक वायलेंस तो पांचों के अगेंस्ट हुआ है, प्रवीण कुमार सिन्हा, लीला सिन्हा, श्वेता शिल्पा सिन्हा, प्रवीण के डैड, अंधेरी कोर्ट में किया है हमने, और 498A FIR जो हुआ है, 377 अननेचुरल सेक्स, और वेरियस और भी जो सेक्शंस लगे हैं वो वर्सोवा पुलिस स्टेशन में हमने किया है, और वो इतना इजीली भी हो नहीं रहा था बिकॉज़ प्रवीण आ ही नहीं रहा था पुलिस स्टेशन। इमेजिन, वो पुलिस में भी उसको 2 महीने लगे आने के लिए। मैंने 23 मार्च को केस मैं अपने लॉयर के साथ जाकर फाइल किया था, और प्रवीण 20 मई को आया था, 22 या 23 मई को आया था, एग्जैक्टली 2 महीने के बाद में। सो उसने पुलिस के लिए भी बहुत इजी नहीं किया है ये, और उसके 3 महीने के बाद 20 जून को हमारा FIR हुआ है। नॉट इजी। ओ माय गॉड, मेरी लॉयर, वो लॉयर नहीं, वो मेरे लिए एक लिटरल एक एंजल है। हर नेम इज़ वेदिका चौबे, और शी इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड लॉयर, और वो नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता था, बिकॉज मैंने करियर पूरा छोड़ दिया था काइंड ऑफ शादी बचाने के लिए, और मेरे पास लॉयर्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, वेदिका जैसे बहुत अच्छे लॉयर्स हैं, लेकिन दे आर क्वाइट हाई इन टर्म्स ऑफ पैसों को लेकर, यू नो। एंड ऐसे टाइम पे जब आपके पास काम नहीं है, आपको पता नहीं, अब कोविड सिचुएशन ऐसी चल रही है, आपको पता नहीं कब काम मिलेगा, तब वेदिका नहीं अगर होती तो मैं शायद यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाती थी, पता नहीं मुझे और कितना टाइम लगता था। वो थी, बहुत बड़ा सपोर्ट था मुझे, तभी मैं इतना कुछ कर पाई हूँ, मतलब शी इज़ एन एंजल फॉर मी। टच वुड। यू आई हैव नो आइडिया, मतलब वो किस लेवल पे कंजूस है ना, यू हैव नो आइडिया। मुझे याद है मेरे मामा की डेथ हो गई थी, मेरे सगे मामा की डेथ हो गई थी, और मैं एयरपोर्ट जा रही थी, एंड आई सेड कि ना प्रवीण मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लूँ, तो इसे क्यों ऐसे, मैं वो 2 घंटा पहले पहुँचना पड़ता है, आई विल बी हंग्री, तो इसे नहीं नहीं एयरपोर्ट पे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा 150 रुपये का सामान आएगा प्रवीण, इसे 150 रुपया बहुत महंगा है, तुम घर से खाना बना के लेके जाओ, एयरपोर्ट पे 150 रुपये का खाना मत खाना। दिस वॉज माई कंडीशन इन दिस वेडिंग। लॉकडाउन चल रहा था और हमको बाहर से कुछ खाना नहीं खाना था, फर्स्ट लॉकडाउन, दैट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। और मुझे याद है मैंने राशन लाती थी तो उसका फ़ोटो खींच के उसको देना पड़ता था प्रवीण को, सारे का पूरा जो बिल होता था ना उसका फ़ोटो खींच के देना पड़ता था, वो टैली करता था क्या सामान आया है और क्या हुआ है। एंड देन ही सॉ अ पानीपुरी का पैकेट, तो ही सेड कि तुमने पानीपुरी का पैकेट क्यों लिया? तो ऐसे प्रवीण बाहर का कुछ खा नहीं सकते, घर पे तो आई कैन मेक पानीपुरी, इसे मत खाओ पानीपुरी का पैकेट, तुमको पानीपुरी क्यों खाने की ज़रूरत है, बेसिक खाना जो है तुम बेसिक खाना कॉन्सेंट्रेट करो, पानीपुरी मत लो। चलो ये तो खाने पीने की बात है, ठीक है। एक लड़की का ना पीरियड्स, हर एक लड़की का मेजर इशू होता है, सारी लड़के में से रिलेट करेंगी, ओके। आई रिमेम्बर ही यूज़ टू गेट इरिटेटेड पीरियड्स के पैड को लेकर, कि तुमको इतना ये वाले कंपनी का क्यों तुमको पीरियड्स का पैड लेना है, कोई सस्ता तुम ले लो ना। मेरे पास लिटरली फ़ोन रिकॉर्डिंग है जहाँ पर हमारा झगड़ा हुआ है पीरियड्स के पैड को लेकर। दिस इज़ एब्सोल्युटली इनह्यूमन। और इस बंदे के बाद खुद सगी 2 बहनें हैं, और ये दूसरे की घर की बेटियों के साथ ये लोग इस तरह से करते हैं, यू नो। तो पूरा चिट, कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है बीबी के लिए, कोई इमोशंस नहीं है, कोई परवाह नहीं है, यू नो, कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इस पर क्या बीत रही होगी, मैंने क्या बोल के इसको शादी करके मैं लेकर आया हूँ, यू नो, और मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, शर्म नहीं है इस पूरी फैमिली को, इन लोगों ने अपनी शर्म बेच खाई है। एंड दिस इज़ ऑल
हिज अपब्रिंगिंग। कोई कोई परवाह नहीं है, मैं यहाँ बीमार पड़ी रहती थी, मुझे माइग्रेन हो रहा है, मेरा राखी ब्रदर मुझे हॉस्पिटल लेके जाता है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये मेरा दांत टूट गया है उसको फिलिंग करवानी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ क्या हाल में है, बेबी किस हाल में है, क्या है, कोई लेना देना नहीं, टोटली इमोशनलेस। बस जब देखो हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, इतना लग जाएगा इतना लग जाएगा इतना लग जाएगा। पता नहीं शायद इसने बचपन से ऐसे दिखा होगा उसकी लाइफ में, इसलिए शायद वो इस तरह का है, मुझे हमेशा ये लगता है। इतना कोई इनह्यूमन, इतना कोई निर्मोही कैसे हो सकता है। मैं ये सोच रही थी कि माय गॉड ये बहुत अच्छा एक्टर निकल गया, मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्टर निकल गया, शादी के पहले क्या दिखाया क्या और निकला क्या ये, यू नो। तो मैं कंटाल के एंड मैंने बहुत प्यार से इसको कहा, प्रवीण हम दोनों अलग हो जाते हैं, लेट्स गेट सेपरेट, मुझे शांति से तुम डिवोर्स दे दो। तो मैं तुम्हें डिवोर्स भी नहीं दूंगा, मैं आऊँगा नहीं बॉम्बे रहने के लिए, मैं बच्चा भी नहीं करूँगा, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे भी नहीं हैं, मुझे तो बहुत बड़ा बिजनेस करना है, हम साथ में रहेंगे भी नहीं, मैं घर भी नहीं खरीद के दूंगा, और तुम डिवोर्स मांग रही हो तो मैं तुमको डिवोर्स भी नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा डिवोर्स, तुम क्या कर लोगी, जाओ। अगर तुमको डिवोर्स चाहिए तो तुम कोर्ट जाओ, अगर तुमको मुझसे पैसे चाहिए जो कि मेंटेनेंस उसको कहा जाता है, अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप कोर्ट जाओ, तो कोई एक लड़की क्या करेगी। मैं तो शांति से ये कह रही थी कि डिवोर्स दो ख़त्म करते हैं, बट उसको डिवोर्स भी नहीं देना है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कोर्ट जाऊँ। फिर मुझे लीगल एंगल लेना पड़ा, मैं तो बहुत शांति से जान छुड़ाना चाहती थी, मैंने कहा छोड़ यार जो हुआ सो हुआ, ठीक है ख़त्म करो, पेपर साइन करो ख़त्म करो, तो उसको वो भी नहीं करना। आपने मैरिज ब्यूरो जो मैंने शादी के उनको बताया? हाँ मैंने उनको बताया, वो सब शौक थे, बहुत प्रोफेशनल लेवल पे शादियां करवाते हैं वो लोग और थोड़ी जिम्मेदारी भी। मैंने बताया उन सबको, तीनों को बताया, उसकी मैरिज रिलेशनशिप मैनेजर, मेरी रिलेशनशिप मैनेजर, उनके सीनियर्स, द ओनर ऑफ द, एंड दे ऑल आर शॉक्ड कि इसकी माँ जो है वो, प्रवीण तो जाता नहीं था, इसकी मॉम जाती थी, सब जगह सर्वा वही बनी हुई है, और वो जा के हाथ जोड़ जोड़ के मेरी बेटी की शादी करवा दो, मेरी बेटी की शादी करवा दो, और पता नहीं था उनको कि बेटी की शादी इसलिए करवा रही ताकि बहू को इलेक्शन में खड़ा कर सके। मुझे फोर्स किया जाता था उस घर में मिनिस्टर्स लोगों के लिए मिलने के लिए कि आपको इनसे मिलना है, आपको इनसे मिलना है, जबकि मैं बहुत क्लियरली बोल चुकी थी कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी मुझे, आई डोंट नो मैं नाम लूँ कि नहीं लूँ, मुझे संजय जोशी जी जो आरएसएस के हेड है उनसे मिलने के लिए बोला जाता था, आरके सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे बोला जाता था मिलने के लिए, और मुझे समझ में नहीं आता था कि आपका पॉलिटिकल करियर है ना, मैं तो नहीं बोलती हूँ आपको एक्टिंग करने के लिए, तो आपका पॉलिटिकल करियर है तो आप करिए ना। जो लड़की शादी के पहले क्लियरली बोल चुकी हूँ लाउड एंड क्लियर कि मुझे नहीं मिलना है मिनिस्टर से, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिक्स में, तो मुझे क्यों फोर्स किया जाता है मिलने के लिए। आपका करियर है, आप जानिए आप कैसे उसको लेके जाना है, आप क्यों मेरा इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन मेरी मदर इन लॉ, मतलब लास्ट जब प्रवीण घर आया था यहाँ सेप्टेम्बर में, तब भी वो मुझे, घर में चोरी हो गई, उनका भेजा हुआ नौकर और वही सामान चुरा के चला गया, हम पुलिस स्टेशन भाग रहे हैं, प्रवीण वहाँ पर भी नहीं आता था, एक दो दिन आया पुलिस स्टेशन लाना छोड़ दिया। इतना सब कुछ हो गया लाइफ में, मेरी नानी की चांदी के दिए हुए बर्तन चोरी गए, मेरे लैपटॉप चोरी हो गया, इतना घर का सामान चोरी करके चला गया, एंड प्रवीण इज़ लाइक तुमको मिनिस्टर्स लोगों से मिलना चाहिए, तुम चलो आर के सिंह से मिलो, तुम संजय जोशी से मिलो, तुम इससे मिलो मेरे साथ में। एंड मैं ऐसे कि उसको ये समझ में आ रहा है कि इमोशंस नाम की भी चीज़ होती है, आई एम बैडली हर्ट, मेरे घर में तुम्हारे भेजे हुए नौकर ने, दिल्ली से भेजा हुआ नौकर ने चोरी कर लिया यहाँ पर, और तुमको यहाँ पे तुम्हारी बीवी अकेले रात रात को पुलिस स्टेशन जा रही है, तुमको कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ पे अपने बॉम्बे में मीटिंग कर रहे हो और अब तुम बोल रहे हो कि तुम मिनिस्टर लोगों से मिलो, तुम तो मतलब आते आते भी तुम्हारी माँ ने तुमको यही सिखाया है कि सुरभि को बोलो कि उसको मिनिस्टर लोगों से मिलना है। और मुझे समझ में नहीं आता था कि मतलब मैं मिलके करूँगी क्या, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस,
मुझे क्यों मिलवा रहे हो, और बार बार क्यों बोला जा रहा है, जब हमारे लिए हमारे इस मिनिस्टर लोगों से मिलने को लेके इतने झगड़े हुए हम लोगों के बीच में, आपकी बीवी नहीं कंफर्टेबल है, आपकी बहू नहीं कंफर्टेबल है, तो उसकी मॉम जिद पे थी और जब मैं ऐसे मना कर देती थी तो मुझ पर बॉडी शेमिंग का आरोप लगता था, तुम तो मोटी हो, तो हम तो तुम्हें पैसे नहीं देंगे, तुम तो मोटी हो, तुम बॉम्बे में नहीं रहोगी, तुम यहाँ जाओ वेट लॉस के लिए, तुम वहाँ जाओ वेट लॉस के लिए। तो मुझे ना वो कनेक्शन समझ में नहीं आता कि मिनिस्टर लोगों से मिलना है, और उसकी मॉम बहुत इंटरेस्टेड थी कि मेरा वेट लॉस हो, मेरा वेट लॉस हो, मतलब उनका सिर्फ एक ही एजेंडा था उसकी मॉम का, वज़न कम करो और मिनिस्टर लोगों से मिलो, वज़न और कुछ लाइफ में उनका कोई एजेंडा ही नहीं था। सी, मैं ये तो नहीं कभी कहूँगी कि मैं बहुत ही पतली थी, बट शादी के दौरान मैंने काफ़ी अपना कंट्रोल किया था, एंड मैं शूट भी कर रही थी, वर्कआउट भी कर रही थी मैं, बट बिकॉज उनके ये सब, इनके शादी के बाद जो चीज़ें मुझे दिखने लगी ना, मेरा बेसिकली ना स्ट्रेस की वजह से पुट ऑन होता है, वॉट आई हैव रियलाइज। और जैसे जैसे मेरा वेट बढ़ने लगा, मुझे इन लोगों ने बुली करना शुरू कर दिया, मुझे बॉडी शेम, तुम मोटी हो, तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, तुम्हारी एज आ जा रही है, मतलब जो मन में आए वो बोले मुझे वो, और मुझे सब सब ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चारों बैठ जाते थे और मुझे एक कोने में करके मुझे ये बोला जाता था, तुम्हें यहाँ जाना है वेट लॉस करने के लिए, तुम्हें वहाँ जाना है वेट लॉस करने के लिए, तुम मोटी हो। प्रवीण ने तो मुझे एक दिन ये भी बोल दिया था कि तुम मोटी हो, उससे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। हर छोटी छोटी बात पे पांच लोग बैठ जाएंगे राउंड टेबल पे और फिर मुझे मुझे ह्यूमिलेट करते थे, मुझे इतना नीचा दिखाते थे, मुझे कॉर्नर कर दिया जाता था उसी घर में, कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम मोटी हो, तुम्हारा देखो बॉडी कहाँ जा रहा है, तुम्हें मुझे बोला था, बोला जाता था कि हम तुमसे इसलिए फास्टिंग करवा रहे ताकि तुम्हारे वेट लॉस हो, आप जानते हैं कि मुझे माइग्रेन है, तो आप मुझे फास्टिंग करने के लिए कैसे बोल सकते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा वेट लॉस हो, सिर्फ इसलिए। आप लोगों को आइडिया नहीं व्हाट आई वेंट थ्रू, मतलब मुझे इतना शर्मनाक महसूस होता था उस घर में कि मुझे ऐसा लगता था मैं जिंदा ही क्यों हूँ यार, मैं इतनी गंदी हूँ तो मैं फिर मैं जिंदा ही क्यों हूँ, ऐसे तो मर जाना ज़्यादा बेहतर है, इज्जत से मैं मर तो पाऊँगी कम से कम। मुझे इतना बोला जाता था, हर चीज़ के लिए टॉर्चर किया जाता था, मुझे कभी कभार इमोशनल एंगल, कभी कभार मुझे ह्यूमिलेट करना सबके सामने, जलील करना, मतलब मेंटली तो उन लोगों ने इतना मुझे परेशान कर दिया था ना कि आफ्टर अ पॉइंट मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया था, मैं सुसाइडल हो गई थी कम्प्लीटली, मतलब पता नहीं वो कौन सी ताकत है जो आज यहाँ पे मैं बिना पैसे के बैठी हुई हूँ, मैं लिटरली इतना इन लोगों ने मुझे हरास किया है, मेंटल टॉर्चर किया गया है मुझे, कि मैं आई वॉज गोइंग टू द अ साइकाइट्रिस्ट, मैं दो बार इस लेवल पे आ गई थी कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था। शादी के बाद तुरंत आई वेंट टू अ साइकाइट्रिस्ट, मैंने 4-5 महीना उनके साथ सेशन किया है और मैं काफ़ी बेटर थी, और उसके बाद में जब उसकी बहन ने घर से बाहर निकाला और जब ये लॉकडाउन की टाइम भी जब उसने मुझे बहुत परेशान किया, फिर वापस मैं वापस आई वॉज बैक टू द सेम पोजिशन एंड आई वॉज गोइंग टू साइकाइट्रिस्ट। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, इनकी बातें मुझे हॉन्ट करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना सुसाइड कर लूँ, मैं जिंदा ही क्यों, मुझे मर जाना चाहिए, मतलब मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरी मुझ में क्या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अच्छी हो, जो इन लोगों को अच्छी लगे। इतना ज़्यादा मुझे कॉर्नर कर दिया जाता था, मुझे हर किस्म का टॉर्चर, हर लेवल का टॉर्चर, हर लेवल का ह्यूमिलेशन, हर लेवल का इंसल्ट, हर लेवल का बुली करना सब किया है इस परिवार ने मेरे साथ में। आई कॉन्ट टेल यू वॉट आई वेंट थ्रू, मतलब मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी एंड दे यूज टू से कि वाई यू वॉन्ट टू स्टे इन सच अ रिलेशनशिप जहाँ पे इतना आपके साथ ये कर रहे हैं, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल, यू हैव बिन डूइंग सो वेल इन योर लाइफ, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, आप ओह गॉड ओके।